हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चे आप सब लोग? लास्ट पेपर है और लास्ट बार बस पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैम आराम से हम मस्ती मारेंगे, मौज करेंगे, फ़ोन चलाएंगे, रील बनाएंगे, इंस्टाग्राम में घुसेंगे, है ना, फेसबुक चलाएंगे, सब कुछ करेंगे हम। अभी भी आधे तो कर रहे हैं, जो महान आत्माएँ होती हैं आधी तो अभी भी लगी हुई होंगी, लेकिन बस लास्ट एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा और पढ़ाई कर लो, ठीक है, उसके बाद आराम से मस्ती मारना। और इंग्लिश भी हम सीखने वाले हैं, अब कुछ दिनों में आपको इंग्लिश की वीडियोस जो है वो आजकल में देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। पूरी की पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों की इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर हो पाए एंड एटलीस्ट यू विल स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश, ओके। अब आगे जाके अब हम देखते हैं, तो लास्ट पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है ना, सामाजिक विज्ञान का, SST का जिसको बोला जाता है, तो प्रिपरेशन आप लोगों की आई होप हो गई होगी। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे फर्स्ट चीज़ आ जाती है MCQ, तो MCQ आप लोगों के अंदर चार पार्ट्स रहने वाले हैं ना, इकोनॉमिक्स हो गई, सिविक्स हो गई और हिस्ट्री हो गई और जियो हो गई, इसके अंदर आपके चार पार्ट्स रहने वाले हैं। तो चार पार्ट्स के अंदर आपको चार MCQs देखने के लिए मिलेंगे। MCQs बाद में देखने हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है देन स्टॉप। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, मतलब लिखने वाला जो मटेरियल ज़्यादा है पहले आपको उसके ऊपर फोकस करना है, अदरवाइज पेपर जो है वो छूट जाएगा आप लोगों का। और सोचने का टाइम जो है वो लास्ट में लिया करो, पहले जितना पेपर आता है उतना लिखा करो, ठीक है बेटा, ओके। और इसके अलावा आता है मैप। बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम मैप्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, किस टाइप के मैप्स आ सकते हैं, तो मैप्स आप लोगों को स्कूल में करवा रखे होंगे। एक वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, पॉलिटिकल मैप है और हिस्टोरिकल मैप है, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन एक्सेट्रा जो है वो पूछा जाता है, तो उस टाइप के मैप्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जानी है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 6 नंबर का मैप जो है वो देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा इतना नहीं करना है कि आप पूरा पूरा दिन मैप को ही लेके बैठे रहो, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस किस टाइप को आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक लास्ट हम देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं पक्का पक्का। हड़प्पा सिविलाइजेशन से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हिस्ट्री का एक पूजा हुआ टॉपिक है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो यहाँ के क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। खोज किसने की थी, किन लोगों ने खुदाई शुरू की थी, खुदाई कब शुरू हुई थी, किन चार लोगों का इसमें हाथ था और क्या क्या चीज़ें मिली थी, किस टाइप के भगवान की पूजा की जाती थी, कौन से भगवान को ज़्यादा माना जाता था, क्या क्या जो खुदाई हुई उसमें क्या क्या चीज़ें मिली, सो ऑल दीज क्वेश्चंस यू विल सी इन योर एग्जाम, ठीक है बच्चे। उसके बाद में वेद, वेद के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूजा हुआ है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं। वेद कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, सबसे पुराना, सबसे नया, अर्थवेद में क्या आता है, यजुर्वेद में क्या आता है, ऋग्वेद में क्या आता है, कौन सा वेद सबसे नया है, किस वेद में जादू टोना म्यूजिक वगैरह पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस्लाम वाले क्वेश्चंस, इस्लाम की स्थापना किसने की, ये MCQs यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था। उसके बाद में युद्ध आ जाते हैं, जो कि पानीपत का युद्ध, ठीक है। अब देखो पानीपत के युद्ध आ रखे, मतलब युद्ध से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको युद्ध पढ़ने हैं। पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध कब हुआ था, पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ, तीसरा युद्ध कब हुआ। भारत से धन की निकासी से आप क्या समझते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, यूरोप में किसानों की स्थिति कैसी थी, 1857 AD की क्रांति के कारण क्या थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का कॉन्सेप्ट यू विल सी इन योर एग्जाम एंड यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक थिंग्स अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो आप लोगों को कुछ कुछ अगर बेसिक भी पता है तो आप उसके बारे में लिख के आओ। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है तो आप इसके अंदर 2 लाइंस भी अगर लिख कर आ जाओगे ना कि हाँ ये चीज़ें पूछी गई थी, तो आपको 1 या फिर 1.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है, अगर बना बना के लिख के आते हो। आगे अगर देखें, इंदिरा गांधी ने 1957 AD में आपातकाल क्यों लगाया था, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 मार्क्स में आपका पूछा गया है, तो इसको पढ़ लेना। चलो आगे आ जाते हैं, तुम्हारा फेवरेट चीज़ मतलब कि मानचित्र, मानचित्र आपको 3 नंबर का यहाँ पर मतलब मैप आ रखा है। 3 मार्क्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखिए गिवन इंडिया शो आपको करना है, पॉलिटिकल मैप के ऊपर पानीपत, लखनऊ और रोपड़, ये आपको वहाँ पर जो है मैप के ऊपर फिक्स करने हैं। और मैप ना आपके पास आता है, ठीक है ना, मैप आपको दिया हुआ होता है, तो उसके अंदर आप लोगों को पुट करने होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का है तो जम्मू कश्मीर ऊपर आ जाता है, गोवा का है तो गोवा यहाँ पर आ जाता है, केरल का है केरल और नीचे आ जाता है, गोवा छोटा सा होता है, MP का है MP बिल्कुल बीच में आ जाता है, आसाम का है वो इस साइड आ जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का है वो इस साइड आ जाता है, तो सारी चीज़ें जो है वो आपको बस पॉइंट आउट करनी है, मैप आपको फुल ऑन मिलेगा, बनाना बनाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस से फिर 5 नंबर के आपके पास MCQs आ गए। MCQs जो है वो आसान होते हैं, तो 20 नंबर के आपको MCQs ही देखने के लिए मिलेंगे, तो वहाँ से आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, 15-17 MCQs अगर आप ठीक कर लेते हो तो, ओके। ये देखो द्विदलीय प्रणाली एक्सेट्रा, ये क्वेश्चन आपको सारे देखने के लिए, श्रीलंका में ग्रह युद्ध के क्या कारण थे, एंड व्हेन एंड हाउ डज सोशल डिफरेंस बिकम अ सोशल डिविजन, इन व्हाट वेज डू प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स,
और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है। क्यों? अब ये देखो, आधे क्वेश्चंस में जो हमेशा बोलती हूँ कि सम ऑफ द क्वेश्चंस विच यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जब लोगों का शासन होता है, जब लोग जो है वो सरकार चुनते हैं और वो वोट करते हैं कि हाँ ये बंदा जो है वो प्रधानमंत्री बनने लायक है, ये बंदा जो है ये नहीं है, तो उस हिसाब से वो वोटिंग करते हैं एंड फिर उसके बाद में डिसाइड होता है, ठीक है, फाइनल। तो यही लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो इसको बोला गया कि अच्छा क्यों है ये, तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं इजीली, ठीक है ना। आगे जो है, मेंशन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, भारत संघ प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था कई रूप ले सकती है, इसको समझाना है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या क्या करती हैं, ये भी बहुत आसान है। तुम लोगों ने देखा ही होगा, बीजेपी कांग्रेस सब कुछ है, किसी पार्टी से हो ना, कोई बीजेपी को मानता है, कोई आम आदमी पार्टी को मानता है, कोई कांग्रेस को मानता है, कौन किसको मानता है ज़रा मुझे बताना, ठीक है, मानते भी हो या फिर ओवरऑल हो। मैं तो किसी में भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि जो यूथ के लिए काम नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आज का टाइम का यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बढ़ती ही जा रही है, हरियाणा में तो कुछ ज़्यादा ही ओवरऑल पहुँच रहा है टेम्परेचर इसका। तो देखो, 5 मार्क्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ जाती हैं, ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आ जाता है। उसके बाद में 4 मार्क्स आ जाते हैं आपके पास MCQs, फिर ये आपके पास ज्योग्राफी के MCQs देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, नेल्लोर अभ्रक बेल्ट किस राज्य में है, ये आपके पास क्वेश्चन सारे आ गए। विच स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सोशल इरोजन इन द हिली एरियाज, व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताना है, सतत आर्थिक विकास का अर्थ क्या है, कृषि और उद्योग कैसे साथ साथ चलते हैं ये बताना है। अब देखो, ये क्वेश्चन आप अपने आप से बना के लिख सकते हो, हर क्वेश्चन के अंदर ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या था क्या नहीं था। आधे से ज़्यादा बच्चे ना रट्टा मारते हैं, ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट था, पहला अक्षर क्या था, पहला अक्षर याद नहीं आएगा, आगे का सब कुछ डब्बा जो है वो गोल हो जाएगा कि ये क्या था मुझे तो पता ही नहीं है, मैं भूल गया हूँ। तो इससे अच्छा है कि रट्टा मत मारो, उस क्वेश्चन को आप समझ के करो, तो आप आराम से उसको लिख सकते हो। अब आगे अगर हम देखें तो एक्सप्लेन द फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ठीक है। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ बतानी है। अब देखो, आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पापा या आपके घर में कोई फार्मर है, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे पिछले क्वेश्चन में आ रखा था कि चावल की खेती के लिए बताना है कब बोई जाती है, उसके लिए क्या कैसी कंडीशन चाहिए होती है, तो आधे से ज़्यादा तो ये बच्चों को पता होता है, क्योंकि हरियाणा क्या है, कृषि प्रधान स्टेट है ना यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं हमारे यहाँ पर पंजाब में, तो इसलिए किसान फैमिली से सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं, जाट होते हैं, किसान होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आधे से ज़्यादा बच्चों को पता होती हैं, अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो। व्हाई डू यू थिंक द सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, सौर ऊर्जा का भविष्य जो है वो क्या है। अब आप ये क्वेश्चन अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो व्हाट इज सोलर एनर्जी, इफ़ यू नो इट, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर मैप आ जाता है इसके अंदर, मैप के अंदर फिर ज्योग्राफी के अंदर देखिए, एरिड सॉइल स्टेट पूछा गया है, झरिया कोयला क्षेत्र पूछा गया है, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट पूछा गया है, और हल्दिया पोर्ट पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। ये आपके, अब देखो, 4, 4, 8 मैक्सिमम अगर देख भी लो आप, तो आपको यहाँ पर 10 नंबर अगर मैक्सिमम मान लो मैप के आएंगे, ठीक है, 10 नंबर का आपको मैप आएगा। अगर आपको पॉलिटिकल आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर तो सिंपल स्टेट बतानी होती हैं। ज्योग्राफी के अंदर कुछ आ जाती हैं कि कोई चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं, तो अगर आपको क्लास अच्छी मिलती है ना, अगर टीचर थोड़ा लीनियंट होता है तो लास्ट में थोड़ा बहुत हेल्प करने को देता है, तो आपके आसपास अगर कोई होशियार बच्चा बैठा हो, अगर खुद ही होशियार हो तो फिर तो वही करना ही पड़ेगा, अगर आसपास होशियार बच्चा बैठा है कि हाँ भाई हमारी क्लास का मॉनिटर जो है वो हमारे सामने बैठता है, तो उससे पूछ लेना, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, थोड़ा रिलैक्स होकर बस पेपर देने बैठ जाया करो बस, ठीक है ना। और उस टाइम पर पढ़ना है जब पढ़ने का टाइम है, बस ये लास्ट पेपर है, पढ़ लो, उसके बाद में आराम से मस्ती मारनी है तुम लोगों ने, तब नहीं पढ़ना है मुझे पता है। तो 3 मार्क्स का ये आगे इकोनॉमिक्स आ जाती है, इकोनॉमिक्स के अंदर फिर से MCQs आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ओके। ये देखिए, 2 नेम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, व्हाट आर द 3 फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ लोन इन इंडिया, और एक्सप्लेन द राइट ऑफ कंज्यूमर्स। अब राइट कंज्यूमर वाले से क्वेश्चन जो है वो पक्का पूछा जा रहा है, राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर एक्ट क्या होता है, इसके बारे में बताना है, या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब कि ऋण जो मिलता है उसके सोर्स बताने हैं, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आप ये भी खुद बना के लिख सकते हो कंज्यूमर के बारे में। अभी मैंने पिछली बार भी आपको एग्जांपल दिया था ना, कि अगर आप कोई सामान लेकर आ रहे हो, पेप्सी लेने जाते हो ना, अगर वो 90 रुपीज़ की है और आपसे अगर शॉपकीपर जो है वो 100 रुपीज़ ले सकता है, सो यू कैन डू केस, आप उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, आप याचिका डाल सकते हैं कि इस बंदे ने हमें इतना महंगा ही लगाया, अदरवाइज, या फिर आप कुछ सामान ले रहे हैं और वो एक्सपायरी डेट से ऊपर निकल चुका है, बट स्टिल ही इज़ सेलिंग दिस, तो फिर तब भी
आप उसके अगेंस्ट जो है वो केस दायर कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करके वैसे तो वो मान जाते हैं, बट आप जैसे 99% तो लड़ाई झगड़ा करके काम निपट जाते हैं, लेकिन वही है ना कि 1% जो है वो बंदा सामने वाला अगर ढीठ है, वो सुन ही नहीं रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, तो आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर तो आप कंज्यूमर एक्ट के तहत उनके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ होगी कि उसका लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाएगा, उसकी दुकान पर ताला लग जाएगा। तो बहुत सारे राइट होते हैं हमारे पास, बस हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हम लोग लल्लू बनकर और सामने वाला हमें उल्लू बना देता है और हम मुँह उठाकर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी है आगे आगे, ओके। तो आई होप पेपर ये सारे का सारा प्रिपेयर कर लेना, और अब कल आप लोगों का पेपर है। सो कल ही है ना, क्या डेट है आज, हाँ आज 24 है, ठीक है। तो कल ही आप लोगों का पेपर है, तो अच्छे सा पेपर करना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान पेपर आता है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है। और 27, 28, 30 नंबर का पेपर ऐसा है जो आप लोग कर ही लोगे, तो पास तो आराम से हो ही जाओगे। अच्छे मार्क्स का टारगेट रखना कि मुझे 50+ स्कोर लेना है, 60+ स्कोर लेना है, और आधे से ज़्यादा 70+ वाले स्कोर होंगे। चलो ट्रेन भी मेरे साथ साथ आप लोगों को पेपर बताने में हेल्प कर रही है ना। तो अच्छे सा पेपर करना, ठीक है बच्चों, लास्ट पेपर है, बेस्ट ऑफ लक लास्ट टाइम। और उसके बाद में थोड़ी सी चीज़ें जो है हम धीरे धीरे आगे आगे सीखेंगे, थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को आगे के लिए जो आपके आगे के लाइफ में हेल्प करेगी वो सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छे सा पेपर करो, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। और जब पेपर देके आ जाओ तो मुझे बताना ही है कि कैसा पेपर हुआ, किस तरीके के क्वेश्चन आए और कितने नंबर तक आप ला सकते हो। आप लोगों का टारगेट क्या है वो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। 50+ है, 60+ है, 70+ है, या फिर सिर्फ पासिंग लेना है, भाई मुझे जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या चाहते हो, कितनी उम्मीद रखी हुई है, और रिजल्ट में कितने परसेंटेज तक आ सकते हैं आप लोगों के, वो भी मुझे बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।